जब आप सुबह उठते हो और ऐसा फूल देखते हो तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। Ladies and gentlemen, today is the 3rd of June 2021 and after 4 days, that is on the 7th, comes the happy birthday of my dear best friend Prayash Manishilal. और उसके 5 दिन बाद जो है 12 तारीख को होगा अश्मिता का बर्थडे। बट अनलाइक द अदर टाइम्स हम लोग इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है 15 जून तक एंड इफ दैट डजंट गेट एक्सटेंडेड टू अ फर्दर डेट। बहुत पहले पहले का यादें वगैरह आ रहे, जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे हम लोग, नदी वगैरह में जाते थे, पूरा एक फाड़ू एंजॉय करते थे पहले हम लोग बर्थडे वगैरह में। लास्ट ईयर थैंकफुली मेरा बर्थडे में वो करने को मिला हम लोग को, क्योंकि दैट काइंड ऑफ बर्थडे वाज समथिंग दैट आई हैड बीन प्लानिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। भाई साहब, सीढ़ी में व्लॉग करते करते चलना, इट्स सो रिस्की। अभी मैं ऑलमोस्ट गिरा सीढ़ी से, अगर गिरता तो पता नहीं कितना स्टिचेस वगैरह आ जाता मेरे में। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना वेट मेजर करने, प्लीज़ गॉड प्लीज़ बिलो 80। फाइनली तुम्हारा भाई हो गया बिलो 80। देर वॉज अ टाइम जब मैं 90 केजीज़ का हुआ करता था, आई हैड रीच 90 केजीज़, जस्ट इमेजिन। और अभी मेरा हुआ 79.4। चलो ये भी ठीक है, आई नीड टू लूज ऑलमोस्ट 10 केजीज़ मोर। कोई नहीं, 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में कर ही देंगे। द रूल इज़ टू स्टे कॉन्सिस्टेंट इन योर वर्कआउट। अगर आप कॉन्सिस्टेंट रहोगे, अपना डाइट को चेक करोगे, तो एनीथिंग इज़ डूएबल। तो परसों का ब्लॉग के बाद में आई हैव बीन गेटिंग सो मच सपोर्ट फ्रॉम यू फोक्स कि क्या ही बोले। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है ना कि आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव सच अ सपोर्टिंग डिजिटल फैमिली। और एक आध हेटरेट का कमेंट्स तो आ ही जाते हैं, क्या है उन लोग को, क्या वास्ता देना है उन लोग को, भाव नहीं देना है उन लोग को, घास नहीं डालना है उन लोग को, जितना भोगेंगे भोगने दीजिए। अगर कोई कुत्ता आपको भोगता है रास्ते में, रोक के आप थोड़ी ना उस कुत्ते को काटेंगे, सही ना। तो भोगने वालों को भोगने दीजिए, मेरे को डिफेंड मत करिए उन लोगों के सामने। डिफेंड करके कुछ फ़ायदा है नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। इससे बेहतर आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। एंड बाई द वे, डिड यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रियम टॉक्स? एंड इफ़ यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रियम टॉक्स, देन कमेंट डाउन दिलो कि आपको प्रियम टॉक्स का एपिसोड 2 चाहिए। पर मुझे नहीं पता है कि एपिसोड 2 कब आने वाला है प्रियम टॉक्स का, क्योंकि जब वैसा सिचुएशन आएगा, जब मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे फील होगा अंदर से कि इस चीज़ में मुझे अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, अपना वॉइस उठाना पड़ेगा, उस टाइम मैं दे दूँगा पूरा ओपिनियन अपना, ठीक है। उस टाइम आ जाएगा प्रियम टॉक्स का एपिसोड 2। और प्रियम का मीम रिव्यूज़, प्लीज़ मीम रिव्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे 1000-1000 मीम सेंड कर दीजिए, मीम रिव्यू करेंगे हम उसके बाद में, ठीक है। आई फील रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि मुझे कि मैं ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ अभी के टाइम पे आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। तो हाँ, एक दो दिन मैंने अच्छे से खाना वगैरह नहीं खाया, पर स्लोली आई एम गेटिंग बैक टू माई डेली में जैसा होता था पहले, चीयरफुल, आई एम गेटिंग बैक टू दैट, डोंट वरी। तुम्हारा भाई कहीं नहीं जा रहा है, ही इज़ हियर। बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। आई एम गोना बी हियर, डोंट वरी, आई एम गोना बी हियर फॉर यू, आई एम गोना बी हियर फॉर माई सेल्फ। तो हम अभी कर रहे हैं अपना हैप्पी को कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट करने के बाद में जाएंगे ज़्यादा दूर नहीं, करीब 600-700 मीटर नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को अभी तक कभी नहीं लगे गया मैं। तो एक नया फ्रेम भी बन जाएगा, और चलते चलते क्या होगा कि बाइक को इंजन तो स्टार्ट कर लेते हैं, और बाइक का पिस्टन्स वगैरह में जो इंजन ऑयल वगैरह रहता है वो फ्लो होता है, तो पिस्टन्स वगैरह ख़राब नहीं होता है। पर रखे रखे क्या होता है कि आपका जो टायर का जो रबर रहता है, अगर वो नहीं चलता है तो धीरे धीरे करके ड्राई होके वो फट जाता है। So it's equally important for you to ride your motorcycle even if it's for a short stretch. और lockdown में वही कर सकते हैं हम लोग। पूरे lockdown में 2 ही बार निकाल रहे हैं बाइक को, this is the second day। एक दिन निकाला, it was like around 13-14 दिन बाद lockdown के, उस time निकाला, फिर आज निकाल रहे हैं करीब 8-9 दिन बाद।
तो भाई लोग, ये है सनागर सिंह स्कूल का कार पार्क और उसके ऊपर वाले रास्ते में हूँ अभी मैं। दिस इज फॉर ऑल द ससूनियंस वॉचिंग। ये रास्ता है यहाँ से। Always say the wrong things, ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. Always living in the past, why do I do that? Never fun with what I got, I gotta stop that. Always want more, when what I need's in front of my eye. Never feel like I'm good enough. I never feel like I do enough. It's no surprise, been this way for all my life. Never happy, always looking at the other guy. Never happy, just comparing, I'm dissatisfied. Bad anxiety, always on thin ice. इतना टाइम बाद अपने बाइक को चला के एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गया कि इसका एयर प्रेशर टायर्स में चेक करना पड़ेगा, और चेक नहीं करना पड़ेगा, हवा को डालना पड़ेगा बेसिकली इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। करीब 2 महीना हुआ था जब मैंने नाइट्रोजन फिल किया था टायर्स में, पर उसके बाद में लॉकडाउन वगैरह होना शुरू हो गया, उसके बाद आई डिडंट इवन गेट टू मेंटेन हिम प्रॉपरली। और भाई साहब देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है अपना बाइक, इतना ज़्यादा गंदा है ना भाई साहब। चलो कोई ना, एक बार जब लॉकडाउन लिफ्ट अप हो जाएगा उसके बाद में इसको अच्छे से धुलाएंगे नहीं, इसको अच्छे से धोएंगे। और क्या करना है फिर, अगस्त या सितंबर के महीने में इसका 3rd सर्विस होगा। मेरा बाइक का क्या रहता है कि गाड़ी के जैसा होता है, 2 4 व्हीलर के जैसा होता है, साल में एक ही बार सर्विस करना पड़ता है, पर एक बार का सर्विस में बिल अच्छा खासा बन जाता है। तो इस बार बहुत ज़्यादा बिल बनने वाला है, क्योंकि मुझे टायर्स वगैरह चेंज करना है, ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करना है, और लगभग मेरा बिल इस टाइम का सर्विस का कम से कम 10 से 12 हज़ार पड़ने वाला है। कि अगर हम रेगुलर सर्विस देखते हैं इसका तो 2500 इसका इंजन ऑयल वगैरह का लग जाता है, और दोनों ब्रेक पैड्स करके 4500 पड़ जाएगा। और पीछे का टायर अभी पिरेलीज नहीं आ रहा है, पिरेलीज अगर आता तो करीब 9000 कुछ का पड़ता है पीछे का टायर, पर अभी पिरेलीज वगैरह बाहर का इम्पोर्ट नहीं हो रहा है अभी। तो अभी सीएट का टायर्स वगैरह लगना शुरू हो चुका है अपने बाइक में, तो सीएट का टायर्स शायद पड़ जाएगा मेरे को यही 4500-5500 के बीच में। तो कम से कम मेरा बिल बन जाएगा इस बार सर्विस का 12-13-14 हज़ार तक का बन जाएगा इस बार। चलो कोई ना, चलाने में भी तो मज़ा आता है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अब जाके मैं रख दूँगा गैराज में बाइक को, फिर उसके बाद में जब लॉकडाउन हटेगा सीधा उसी दिन चलाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अ ब्रदर द व्लॉगर फ्रॉम द हिल्स प्रियम गुरुंग, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ। थैंक यू सो मच। और इस रास्ते में मैं आ रहा हूँ, करीब लास्ट लॉकडाउन में आया था मैं, जब मैं वहाँ पे पापा के स्कूल में रेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सामान वगैरह लेके गया था, उस टाइम लास्ट चला था मैं इस रूट से, और आज आ रहा हूँ मैं। तो 1 साल से ऊपर हो चुका है इस रास्ते में मेरा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।